CDS जो देश के पहले थे जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 हमारे श्रेष्ठ अफसरों ने एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवा दी। तो राज की बात में आज हम सलाम करेंगे उसी बेबाक और निडर योद्धा को। कैसे वो जनता के जनरल बने, क्या उनकी खासियत थी, और सबसे बड़ी राज की बात ये कि क्यों उठ रहे हैं उनकी मौत पर सवाल, और एयरफोर्स को क्यों करना पड़ा ट्वीट और कहना पड़ा कि रहें शांत। और साथ ही सबसे बड़ी राज की बात ये कि अपनी मौत से चंद दिनों पहले देश के नीति नियंताओं को उन्होंने किया था सरहदों की सुरक्षा से मुतमईन, लेकिन उसके चंद दिनों बाद ही नियति का ऐसा खेल हुआ कि वो अब हमारे बीच नहीं है। तो राज की बात में आज बात जनरल बिपिन रावत की, और साथ ही कैसे उन्होंने पूरी आर्मी का धर्रा बदला और क्या बड़ी चीजें वो करने जा रहे हैं। वो धूमकेतु की तरह आए थे एक धमाके के साथ, और एक धमाके के साथ ही चले गए, और पीछे छूट गया दर्द का गुबार और यादों की नमी, और साथ ही वो विरासत जो फौलादी इबारत उन्होंने सेना के नए चेहरे की लिखी। यूं तो देश के पहले CDS और उनकी छाती पर लगे तमाम मेडल उनकी शख्सियत को बयां करने के लिए काफी है, लेकिन जनरल रावत का किरदार इससे कहीं ऊंचा था। अविचल, अडिग और हिमालय से भी ज्यादा आकाश चुंबी। तो बात जनरल रावत के इस गगनचुंबी किरदार की, जिसने सेना को ब्रितानी जमीन से हटाकर आकाश जो भारतीयता का था उसे मयसर कराया। जनरल रावत को कितने युद्ध मेडल मिले, कितने सम्मान मिले, आज हर भारतीय जानता है। देश का पहला CDS होने का तमगा भी उनकी छाती पर था। भारतीय सेना में शूरवीरों की कमी कभी भी नहीं रही। उनके शौर्य और अदम्य साहस की गाथाओं को अगर लिखने बैठें, तो शायद सागर की स्याही और त्रिलोक का आसमान भी कम पड़ जाए। पीढ़ियां गुजर जाएंगी, लेकिन ये वीर गाथाएं खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। वीरता की इसी आकाशगंगा का एक चमकता सितारा कुन्नूर में अपने जीवन की चांदनी यानी अर्धांगिनी मधुलिका रावत के साथ साथ भारतीय सेनाओं के अन्य 11 श्रेष्ठम योद्धाओं के साथ महाप्रयाण कर गए। विधाता का लेखा शायद यही रहा हो, लेकिन जाने से पहले सेना के भीतर कुछ ऐसे बदलावों की शुरुआत जनरल कर गए जो उनके बाद भी जारी ही रहेंगे। पहले ये समझते हैं कि उन्हें जनता का जनरल क्यों कहा जाता था। आपको पता ही है कि सेना कमांड पद्धति पे चलती है, मतलब बिल्कुल लकीर के फकीर की तरह। अगर कमीशन्ड ऑफिसर आप नहीं हैं, तो जनरल रैंक के अधिकारी से बात करना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जनरल रावत इसका अपवाद थे। वो सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर से नहीं, बल्कि अपने एक जवान के लिए भी वो डॉक्टरों से और अधिकारियों से उसके इलाज के लिए कहाँ तक चले गए। और मैं बताऊँ, इसका साक्षी मैं खुद रहा हूँ कि एक जवान की आंखों में जब दिक्कत आई थी, तो उसके इलाज के लिए जब तक वो सही नहीं हो गया, तब तक वो लगातार उसको फॉलो करते रहे। इसलिए उन्हें कहा जाता है जनता का जनरल, जवानों का जनरल। वाकया तब का है जब एक बम ब्लास्ट में पैरा स्पेशल फोर्स के एक जवान की दोनों आंखों में गंभीर चोट आई थी। उसके इलाज के लिए वह सीधे डॉक्टरों और अपने अधिकारियों से सेना अध्यक्ष रहते बात करते थे। यहां तक कि एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति भवन जब वो आए, तो सेना के डॉक्टर उन्हें वहीं मिल गए, तो वहां पर भी उन्होंने उस जवान के बारे में बात की। 6 महीने तक लगातार इस जवान के मुद्दे पर डॉक्टर से बात करते रहे, जब तक कि जवान की आंखें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। ये अब देश का बच्चा बच्चा जानता है कि उनके शुरुआती कैरियर से लेकर अब तक जनरल रावत
ज्यादातर समय अशांत क्षेत्रों में ही पोस्टिंग पर रहे, चाहे चीन से जुड़ी सीमा पर ऑपरेशन हो या फिर करगिल का युद्ध। अपने 4.5 दशकों के सैनिक जीवन में जनरल हर फ्रंट पर फ्रंट फुट पर ही रहे। युद्ध के मैदान में वहां महारथी थे तो सैन्य संचालन में एक कुशल सेनापति, चाहे बटालियन हो या ब्रिगेड या फिर पूरी सेना का नेतृत्व, उन्होंने कभी पीछे से नहीं बल्कि आगे रहकर कमान अपने हाथ में रखी। जंग के मैदान में जाने से पहले तैयारी और रणनीति पर उनका होमवर्क बेमिसाल था। दुश्मन की तैयारियों और व्यूह रचना को समझकर उसके हिसाब से अपनी बिसात बिछाना जनरल बखूबी जानते थे। खास बात ये कि हर फ्रंट पर उन्होंने रिजल्ट भी दिए। मौजूदा मोदी सरकार के दो सबसे बड़े फैसले, कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाना और थिएटर कमांड की तरफ कदम आगे बढ़ाने के पीछे जनरल रावत जैसा कुशल सेनापति होना भी था। राज की बात यह है कि जब मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाने का फैसला लिया था तो इसके बाद वहां पर कोई अप्रिय घटना नहीं होगी और नापाक पड़ोसी के मंसूबे भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये भरोसा दिलाने वाले जनरल रावत ही थे। इसी तरीके से थिएटर कमांड यानी जल थल और नव यानी आर्मी नेवी और एयर फोर्स के बीच भी समन्वय की दिशा में बात बहुत आगे तक बढ़ी। दरअसल जब 1999 में करगिल का युद्ध हुआ था तब विपिन रावत उसमें शिरकत कर रहे थे, तब वायुसेना और थल सेना के बीच समन्वय की कमी पूरे देश ने महसूस की थी। उस समय CDS पद की बात वाजपेयी सरकार में चली थी, मगर UPA की सरकार आई, बातें तो हुई लेकिन 2004 से 14 तक इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद फिर NDA की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई, मोदी PM बने और 5 साल में उन्होंने जनरल रावत को सेना अध्यक्ष बनाया। फिर जब दोबारा सरकार बनी तो तमाम विवादों और सवालों के बावजूद उन्होंने जनरल रावत को CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया। जनरल रावत और NSA अजीत डोवाल एक ही इलाके से आते हैं और अच्छे दोस्त भी रहे हैं। अब थिएटर कमांड को लेकर उनकी प्रतिबद्धता का राज भी बताते चले। वायुसेना के साथ लगातार इस मुद्दे पर कुछ मतभेद भी रहे, लेकिन जनरल रावत हर पेंच का समाधान निकालने में जुटे थे। उन्होंने PM मोदी को भरोसा दिया था कि इसका सर्वमान्य और व्यवहारिक ताकतवर फार्मूला वह निकाल लेंगे। इसीलिए जब वह अमेरिका गए तो उनकी थिएटर कमांड पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर लौटे, यहाँ तक कि नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम की भी स्टडी कर लौटे। और राज की बात ये कि सामरिक स्थिति मजबूत करने के लिए भारत में इसे लागू करने पर बात भी आगे बढ़ाई। अब राज की वो बात कि कैसे भारतीय सेना का अध्यक्ष होने के बाद जनरल रावत ने ब्रिटिश रंग में रंगी फौज का भारतीकरण करने की शुरुआत की। जैसे गोल्फ जैसा जो सामंती खेल या एलीट का खेल था जो सिर्फ अफसर खेलते थे, उसमें जवान उनके KD यानी सामान उठाने की भूमिका में होते थे, उसे खेलने से उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि ऐसे खेल खेले जाएं जिसमें जवानों की पूरी भूमिका हो, जो साथ में बराबरी हो और उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट हो, मसलन हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। अंग्रेजी या कहें कि लाट साहिबी संस्कृत के खिलाफ जनरल रावत ने एक और बड़ा फैसला लिया। दरअसल रिटायर जनरल या सेना अध्यक्षों के घरों में 20-20 जवान उनकी नौकरी बजाते थे। जनरल रावत ने सबको एक झटके में वापस ले लिया। यहाँ तक कि एक पूर्व जनरल की पत्नी जो विधवा थी उनके घर में पहुँच गई और रात में इस फैसले के खिलाफ धरना देती रहीं। लेकिन धुन के पक्के जनरल रावत ने एक नहीं सुनी और साफ कह दिया, सेना के जवान अफसरों के घरों में नौकरी बजाने के लिए नहीं है। साथ ही
एक और अंग्रेजी परंपरा ध्वस्त की। आर्मी मेस में अधिकारियों को सोने और चांदी की प्लेटों में खिलाने का चलन था, लेकिन बराबरी के पक्षधर जनरल रावत ने इस लाट साहबी वाले चलन को खत्म किया और करोड़ों रुपए की बर्बादी पर भी रोक लगाई। आम तौर पर परंपरा थी कि राजनीति में फौज को राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए। इस वर्जना को तोड़ने का साहस जनरल रावत ने किया। उनका साफ कहना था, राजनीति का जीवन के हर आयाम पर असर है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी उससे अछूती नहीं। ऐसे में फौजियों को राजनीति समझना जरूरी है। जनता के जनरल रावत यूं ही नहीं कह गए, वो अपने जवानों की चिट्ठियां अपने थैले में साथ रखते थे, जहां तक समाधान कर सकते थे करने का प्रयास भी करते थे। अगर जनरल रावत की शख्सियत और उनके फलसफे को दो लाइनों में उतारना हो तो डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये दो पंक्तियां अपने आप जुबां पर आती हैं कि लीक पर वो चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। सैल्यूट जनरल। काश ये शिकवा रह ही जाता फर्स्ट लेडी को। फर्स्ट लेडी यानी जनरल बिपिन रावत की अर्धांगिनी मधुलिका रावत। कई बार विधाता का लेखा ना समझ आता है ना पढ़ा जाता है। मधुलिका रावत की सबसे बड़ी शिकायत जनरल से सिर्फ यही थी कि वो एंटाइटल हैं, उसके बाद भी उनको वो बाहर के दौरों पर लेकर नहीं जाते। जिंदगी की अगर उनकी ये शिकायत कायम रहती तो शायद उनकी जिंदगी बच जाती और दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी के सिर से पिता के साथ साथ माँ का साया नहीं उड़ता। सात फेरों के साथ, सात जन्मों तक साथ निभाने की जो कसम उन्होंने खाई थी वो मरते मरते भी निभा गई मधुलिका रावत। सृष्टा के इस दुष्चक्र का राज तो कौन बता सकता है, लेकिन राज की बात यह है कि जनरल रावत की पोस्टिंग लगातार ऐसी रही कि परिवार के लिए आम तौर पर उनके पास समय ही नहीं होता था। वो अफसर थे, लेकिन वो अपने से नीचे के अफसरों ही नहीं बल्कि नॉन कमीशन अधिकारियों और जवानों के मुद्दे पर भी बेहद संवेदनशील रहते थे, उनसे मिलते थे। पहले तो देश की सरहदों की सुरक्षा उनके जीवन का प्रथम ध्येय था। इसके अलावा देश के अंदर पनपे दुश्मनों को लेकर भी वह पूरी तरह से सतर्क रहते थे। किसी संवेदनशील या सामरिक लिहाज से अहम दौरे पर वो अधिकृत होने के बावजूद सेना में फर्स्ट लेडी का दर्जा प्राप्त अपनी पत्नी मधुलिका के साथ नहीं जाते थे। राज की बात ये कि जब कोई गेट टुगेदर या पार्टी होती तो उसमें मुस्कुराते हुए मधुलिका रावत जनरल से शिकवा भी करती थी। वो अक्सर कहती थी कि जनरल साहब अक्सर मुझे दौरों पर लेकर ही नहीं जाते। हालांकि फर्स्ट लेडी होने के नाते सैन्य अफसरों और सैनिकों की पत्नियों के कल्याण की और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली तमाम योजनाओं में उनकी जरूरत भी होती थी, वे उसमें अक्सर व्यस्त रहती थी। पूरी शिद्दत से अपना योगदान देती और खास तौर से सैनिकों की विधवाओं और उनके अनाथ बच्चों के कल्याण से जुड़े मसलों पर वे बेहद सक्रिय और संवेदनशील रहती थी। राज की बात यह है कि जनरल रावत को जब भी कभी बाहर दौरे पर जाना होता तो आम तौर पर उनका दौरा इतना टाइट और व्यस्त होता था, उन्हें अपने अधिकारियों के साथ में बैठक करनी होती थी, लिहाजा फर्स्ट लेडी उनके साथ जा ही नहीं पाती थी और इस बात का उनको मलाल ही रहता था। लेकिन इस दफा वो एक लेक्चर के लिए जा रहे थे और वहाँ पर मधुलिका रावत को भी सैन्य अफसरों की पत्नियों और जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं उसकी समीक्षा भी करनी थी, इसलिए वो भी साथ में गई थी। लेकिन वो ऐसा साथ गई कि दोनों फिर वापस लौट के आ ही नहीं पाए और दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी सिर्फ यही कह रही हैं, उन्हें कल ही तो आना था। राज की बात में वो सवाल जो पूरे देश को परेशान कर रहा है, एक ऐसा जांबाज जो गोलियों की बौछारों, तोपों की गोलाबारी और मिसाइलों को चकमा दे गया, मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे परास्त किया, वो अपनी पत्नी और देश के श्रेष्ठ अफसरों के साथ इस तरीके से एक विमान दुर्घटना में
शहीद हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई जनरल तमाम लोगों को खटक रहे थे? क्या था इसके पीछे राज? राज की बात यह कि जनरल ने इस हादसे से पहले ही मिनी संसद कही जाने वाली संसदीय समिति को सरहद के साथ साथ छद्म हमलों वाली दुश्मनों की साजिशों के बारे में जानकारी दी थी और उससे निपटने की कार्य योजना को मोटे तौर पर साझा किया था। राज की बात में आगे बढ़ें उससे पहले चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में जनरल रावत की मौत के बहाने भारतीय सैन्य तैयारियों का जिस बेशर्मी से मजाक उड़ाया गया है उसे याद करिए। ग्लोबल टाइम्स ने रूसी हेलीकॉप्टर MI-17 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारतीय सैन्य तैयारियों का निर्लज्जता से मौखौल उड़ाया। जाहिर है कि इस निकृष्ट हरकत से ड्रैगन ने भारतीय सेना और उसको नया तेवर और कलेवर देने में जुटे जनरल रावत के प्रति अपनी घिनौनी सोच को उजागर कर ही दिया। इसीलिए हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कयास खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। राज की बात यह है कि पिछली 27 नवंबर को ही संसदीय समिति के सामने जनरल रावत ने अपने तीनों सेना अध्यक्षों की मौजूदगी में इस तरीके के खतरों के प्रति आगाह किया था। राज की बात यह भी कि 27 नवंबर से पहले 29 अक्टूबर और 17 नवंबर को ही बैठकों के मद्देनजर सेना के सर्वोच्च अधिकारियों को संसदीय समिति ने तलब किया था। दरअसल 29 अक्टूबर की बैठक में ये बात उठी थी कि रक्षा संबंधी संसदीय समिति के सामने देश की सीमाओं पर जो चल रहा है उसकी जानकारी दी जाए। सरकार पर जानकारी छिपाने का आरोप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार लगा ही रहे थे, वह भी 29 अक्टूबर की बैठक में मौजूद थे। राज की बात यह है कि इसके बाद ही संसदीय समिति के चेयरमैन जुआल ओराम ने सीमा सुरक्षा और सैनिक तैयारियों के विषय पर बैठक रखी थी जिसमें CDS शामिल हुए थे। अब इसे संयोग कहें या दुर्योग, इस बैठक के बाद ही उनसे मुलाकात का मुझे भी मौका मिला। ऊर्जा से लबरेज और खास तौर से थिएटर कमांड और सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदमों से वे खासे आशावादी थे। उनका मानना था कि आने वाले कुछ सालों में सामरिक सुरक्षा का स्तर एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका होगा। अब जब एक घटना हुई तो तमाम कयास हवा में, हालांकि वायुसेना ने जांच बैठा दी है और कयास लगाने से मना किया है। और राज की बात में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर वायुसेना को ट्वीट करने की जरूरत क्यों पड़ी? बालाकोट जैसा हादसा हुआ जिसमें तमाम राजनीति हुई, बहुत सवाल उठे, लेकिन वायुसेना ने इसका किसी तरीके से प्रतिकार नहीं किया। लेकिन इस दुर्घटना को लेकर उन्होंने जांच से पहले संयत रहने की क्यों अपील की? खैर, अब वायुसेना की त्रिस्तरीय जांच चल रही है तो उसका इंतजार करना ही उचित होगा। अब रक्षा सेनाओं का सबसे बड़ा अफसर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारा गया तो संशय जरूर है, कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, कहीं हादसे के पीछे कोई साजिश तो नहीं? चंद किलोमीटर की दूरी हेलीकॉप्टर पूरी क्यों नहीं तय कर पाया? उड़ान से पहले क्या कोई तकनीकी खराबी थी जिसे दरकिनार किया गया? अगर मौसम की जानकारी थी तो उड़ान को टाला क्यों नहीं गया? उड़ान से पहले क्या जांच के सभी पैरामीटर्स को सुनिश्चित किया गया था? फरवरी 2015 में भी जनरल रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, क्या ये महज संयोग है? जनवरी 2020 में ताइवान के चीफ ऑफ स्टाफ शेन यी मिंग की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद हादसे के पीछे चीन पर सवाल उठा था, क्या बिपिन रावत की मौत के पीछे किसी बाहरी ताकत का हाथ है? CDS बहुत तेजी से थिएटर कमांड और सेना के आधुनिकीकरण पर काम कर रहे थे। चीन के खिलाफ 2017 डोकलाम और 2020 लद्दाख की घटना के बाद कठोर नीति अपनाई गई, तो क्या ये कदम कुछ देशों की आंखों की किरकिरी बने हुए थे? तो राज की बात में इन्हीं सवालों के साथ अब लूंगा मैं आपसे विदा, लेकिन रुखसत होने से पहले एक जानकारी आपके साथ साझा करना जरूरी है। वो ये कि जिस MI-17 हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई है उसको सेना से हटाने पर अभी कोई विचार नहीं है, क्योंकि अभी ये सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर है। इस तरीके की जानकारी रशिया को भी
दी जा चुकी है। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।